तो शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है पूरी तेजी के साथ, बिना एक मिनट भी बर्बाद किए। दिल्ली के विकास के लिए फिर से हम 24 घंटे काम पे लग गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे पिछले 5 साल में इतना ज़बरदस्त काम हुआ था, अगले 5 साल के अंदर भी उससे ज़्यादा तेज़ी से काम होगा। सभी मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है, लगभग एक दो को छो वो चेंजेस छोड़ के बाकी सभी मंत्रियों को वही पोर्टफोलियोज मिले हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने अपने पास क्यों नहीं रखा, तो पिछली बार में मैंने अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा था। जल बोर्ड वाला मैंने बाद में लिया था, तो अपने पास पोर्टफोलियो न रख के सभी की मॉनिटरिंग करने में ज़्यादा आसानी रहती है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा काम ये होता है कि सभी मंत्रियों के ऊपर लगातार निगरानी बनी रहे। तो आज बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें मैंने दिल्ली सरकार के सभी हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, सभी सेक्रेटरीज़ और सभी मंत्रियों की मीटिंग बुलाई, और सारे एक एक जो हमारे 10 गारंटी हैं, एक एक गारंटी के ऊपर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई, और रेस्पेक्टिव जो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स या सेक्रेटरीज हैं, हर गारंटी के, शिक्षा की गारंटी है, स्वास्थ्य की गारंटी है, सुरक्षा की गारंटी है, पानी की गारंटी है, बिजली की गारंटी है, यातायात की गारंटी है, प्रदूषण से मुक्ति की गारंटी है, हर गारंटी के ऊपर जो भी संबंधित विभाग थे उनको अब ये निर्देश दिए गए हैं कि एक हफ्ते के अंदर हर विभाग अपना प्लान बनाएगा। उस प्लान में ये लिखेगा कि उस गारंटी को वो कितने महीने में या कितने साल में पूरा करेंगे, और उसको पूरा करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके माइलस्टोन्स क्या होंगे कि पहले साल में इतना पूरा कर देंगे इतने पैसे लगेंगे, दूसरे साल में इतना पूरा कर देंगे इतने पैसे लगेंगे, तो टाइम कितना, टाइमलाइंस देनी है और बजट देना है उनको। एक हफ्ते के बाद फिर एक 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 डिपार्टमेंट के साथ अलग से मीटिंग की जाएगी, उनकी प्रेजेंटेशन ली जाएगी, और फिर जो वो बजट मांगेंगे वो अब जो बजट प्रेजेंट किया जाएगा, बजट की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं, तो जो असेंबली में बजट इस साल का प्रस्तुत किया जाएगा उस बजट में उन गारंटी से संबंधित जो भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसको उस बजट में इंक्लूड किया जाएगा। तो एक हफ्ते के बाद जैसे जैसे जो जो डिपार्टमेंट लेके आएगा उसको हम आप लोगों के ज़रिए दिल्ली की जनता को बताएंगे। इसके अलावा अभी अभी मेरी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मीटिंग हुई, मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में, बहुत सार्थक मीटिंग रही, और दिल्ली के अलग अलग मुद्दों पे विचार हुआ, लेकिन मोटे मोटे तौर पे दोनों के बीच में सहमति थी कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलके काम करना चाहिए, और हम दोनों ने इस बात को स्वीकारा और आगे मिलके काम करेंगे, ऐसी दोनों ने इच्छा जताई। सर, शाहीन बाग के मुद्दे पर भी आपकी बातचीत उस पर कोई चर्चा नहीं है। सर, महिला सुरक्षा, दिल्ली पुलिस वाला जो रहता है दिल्ली में सुरक्षा, इन सब चीजों पे इस पे चर्चा हुई यही चर्चा हुई कि मिलके करेंगे, अब जो भी दिल्ली के विकास के लिए सब चीज़ों के ऊपर मिलके काम करेंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न है पावर्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दिल्ली के उसमें, तो ये सहमति हुई कि दिल्ली के लिए ज़रूरी है, दिल्ली देश की राजधानी है, कि मिलके दोनों सरकारों को काम करना चाहिए। इसको जल्दी करेंगे, ये काफ़ी कुछ हो चुका था पहले, चुनाव के पहले हो चुका था काफ़ी, तो ये जल्दी लागू होगा। कैबिनेट की मीटिंग थी 24 तारीख से, मंडे से 3 दिन का असेंबली सेशन बुलाया जा रहा है, 24 से मंडे से, वो भी उसमें है, ये जो हमारे गारंटी है वो भी उसमें है, तो सारी गारंटीज के ऊपर अब एक हफ्ते में सब अपना एक्शन प्लान लेके आएंगे।
अरे सर, आज को पटियाला कोर्ट ने इस पे फिर से सरेंडर के लिए कहा है, जो जेएनयू वाला मामला था उसमें जो चार्जशीट जो आपकी तरफ से सैंक्शन देना है उसको। तो मुझे लगता है जो भी संबंधित विभाग है उसमें मेरी कोई किसी तरह की दखलंदाजी नहीं है। मैं पता करता हूँ और उनको मैं इतना कह सकता हूँ, उनके निर्णय को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन इतना उनको जरूर कहूँगा कि जल्द से जल्द निर्णय इस पे करें। अब माय फर्स्ट एंड कंप्लीट कमिटमेंट इज टू द पीपल ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लोगों ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और दिल्ली के लोगों की इस जिम्मेदारी को सुचारू रूप से निभाने के लिए ही मैंने कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा है, बिकॉज उससे मेरे को सारे मंत्रियों के कामों के ऊपर निगरानी रखने में और एक ओवरऑल व्यू लेने में मदद मिलती है। अगर आप किसी विभाग की निटिग्रिटीज़ के अंदर फंस जाएँ और उलझ जाएँ तो फिर बाकी ब्रॉड विजन सफ़र करता है उसमें। और पहले बार भी मैंने फर्स्ट टाइम भी नहीं रखा था, सेकंड टाइम भी नहीं रखा था। सर, गर्मी आने वाली है और पानी को लेकर के आपको पानी की कमी नहीं होने देंगे। पिछली बार भी अच्छी गर्मी अच्छी बीती थी, पहले होती थी, लेकिन पिछली बार 2 साल से गर्मियां ठीक ठाक बीत रही हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है पानी की सिचुएशन में सुधार हो रहा है और सुधार होगा। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड प्लान कर रहे हैं हम लोग। 5 साल में आपको 24 घंटे पानी, साफ पानी आपकी टूटी से पिला के देंगे। थैंक यू।